जोहार जिंदाबाद साथियों, जैसा कि आज आप यहाँ दृश्य जो देख रहे हैं, यहाँ एक आदिवासी युवक धन्नू धुर्वे, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा 2 बजे रात को की गई थी, जिनका कसूर सिर्फ यह है कि वह समाज में जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं। समाज, आदिवासी समाज के बीच में जाकर वह पेशा कानून की बात करते हैं, ग्राम सभा के बारे में बताते हैं। इसके लिए उन्हें पुलिस ने 2 बजे रात को गिरफ्तार कर लिया था और उसी के विरोध में आज यह जो हुजूम सड़कों पर बैठा है, चक्का जाम करके आज यहाँ बैठा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। देखिए, भारी मात्रा में मातृ शक्तियाँ भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ बता रही है कि हम अपने हक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए हम सक्षम हैं, हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। देखिए हमारी माताएं बहनें कितने पूरे जोश और जुनून के साथ सड़क पर बैठी हुई है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम उठने वाले नहीं हैं, यह कहना है हमारी मातृ शक्तियों का, और वह तब तक यहाँ से नहीं उठेगी जब तक उनके भाई धन्नू धुर्वे को पुलिस प्रशासन रिहा नहीं करता है। देख सकते हैं आप, विशाल चक्का जाम। अब देखते हैं कितने समय पश्चात यहाँ का पुलिस प्रशासन इन सड़कों पर बैठे आदिवासियों की मांग को पूरा करता है या नहीं, या फिर आदिवासी ऐसे ही बैठे रहेंगे। आप देख सकते हैं साथियों, जबकि यह समय आदिवासी वर्ग किसान वर्ग से आता है, लेकिन वह सब अपने काम और धाम को छोड़ के वहाँ अगर आज चक्का जाम किए हुए बैठा है, तो कहीं ना कहीं यह आदिवासियों के साथ जो गलत हो रहा है, जो शोषण हो रहा है उनका, जो अत्याचार उन पे हो रहा है, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज वहाँ मैन चौराहे पर आज चक्का जाम किए हुए हैं। यहाँ आज मध्य प्रदेश सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश के आदिवासियों के साथ आखिर ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों, उन्हें हमेशा की तरह न्याय के लिए सड़कों पर क्यों उतरना पड़ता है, न्याय के लिए हमेशा चक्का जाम क्यों करना पड़ता है। देख सकते हैं आप, क्योंकि एक समय था जब मनमोहन साहब बट्टी जी अमरवाड़ा विधानसभा से विधायक थे, तब ऐसी कोई नौबत नहीं आती थी, उनके नाम से ही काम हो जाता था, लेकिन आज आप देख पा रहे हैं हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए बड़े बड़े आंदोलन करना पड़ता है, जिनके पीछे फलस्वरूप कई युवाओं पर FIR होती है, लेकिन उसके बाद भी आज समाज का युवा जाग चुका है और लड़ने लगा है, बोलने लगा, हक अधिकारों के लिए बोलने लगा है। आप इसी लाइव वीडियो के माध्यम से देखेंगे कितने युवा आज पढ़े लिखे
ये देख सकते हैं आप, ये उन्हीं के वंशज है साथियों, जिन्होंने अपने तीर कमानों से अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए थे। ये उन्हीं के वंशज है साथियों, जिन्होंने अपनी लड़ाई बुलंदी से लड़ी थी। वो तो बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब के अनुयायी हमारा समाज है, वरना जैसे धन्नू दुर्वे को गिरफ्तार करके पुलिस प्रशासन ने 2 बजे रात को लाया था, ऐसा तो यह आदिवासी समाज भी कर सकता है। इनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन संविधान का पालन करते हैं इसलिए शांत हैं, सड़कों पर रोड जाम करके बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सभी युवा अपनी आवाज को बुलंद करते हुए देख सकते हैं आप, सभी अपना बीच सड़क में उतरकर अपना उद्बोधन दे रहे हैं, और जो उनके साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ वह अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हमारी जमीन को लूटी जा रहा है, इस चीज को हम सभी को समझना होगा। आज हमारा यहाँ पर हम जैसे क्रांतिकारी बेटों को पैदा किया, वैसे हमारे बीच का बेटा धन्नू दुर्वे क्रांतिकारी जवान मगर समाज के लिए, माटी बेटी के लिए आज 3 दिन की जेल में के अंदर है। ऐसे उसके लिए हजारों क्रांतिकारी और साथी जेल जाने के लिए तैयार है। सभी क्रांतिकारी और साथी आज ये शासन सत्ता के लोग तो आज हमारे भाई को अवैध तरीके से जेल के अंदर डाल के रखे हैं, हम तुमसे चाहते हैं जवाब तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। लोकसभा विधानसभा सबसे पहले विधानसभा, हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। साथियों एक बार नहीं हजार बार जब भी हमारी माटी बेटी की बात आएगी, धन्नू दुर्वे जैसे हजार युवा साथी चलने के लिए तैयार है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, आदिवासी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी आया जिन्होंने कई सालों से लगभग कई आंदोलन किए, कई प्रकार के मुकदमे उनने वो खेले।